हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पेटीएम से किसी भी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पैसे, ऐसे में आपसे कभी भी गलती से किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो आप उस पैसे को वापस लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बिना देर के चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जानते हैं इस ट्रिक को। देख सकते हैं हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आपको यहाँ से बताएंगे कि अगर आप पेटीएम से किसी भी अनजान व्यक्ति को गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे, तो आप उस पैसे को वापस कैसे ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में पेटीएम ऐप ओपन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम अपने फ़ोन में पेटीएम ऐप ओपन कर चुके हैं और हम आ चुके हैं पेटीएम ऐप के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैलेंस हिस्ट्री का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप बैलेंस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका बैंक देखने को मिल जाएगा, जो भी आप बैंक अपने पेटीएम ऐप में लिंक किए होंगे वो सभी बैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से चाहे तो आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आपको जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने लोग को पैसे सेंड किए हैं सभी उस सभी का हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने लोग आपको पेमेंट सेंड किए हो उसका भी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप जिसे गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं पैसे, आप उसकी हिस्ट्री इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे आप उसके हिस्ट्री पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो उसका हिस्ट्री इस तरीके से ओपन हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई आईडी का, आपको यूपीआई आईडी उसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। उसके बाद इसका हिस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सीधे यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चलें। फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है एक वेबसाइट NPCI, इस वेबसाइट को आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुका है NPCI। इस वेबसाइट का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। जैसे कि आप UPI से जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि पेमेंट, जैसे कि पेटीएम से, गूगल पे से या फ़ोनपे से, तो सभी इसी के माध्यम से होते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के माध्यम से आप उस व्यक्ति का कंप्लेन करेंगे जिसे आप मतलब कि ट्रांजैक्शन कर दिए हैं गलती से पैसे, उसका आप इस वेबसाइट के माध्यम से कंप्लेन करना है। कैसे आपको कंप्लेन करना है, इसके लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि ऊपर साइड देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड है, तो आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ वेबसाइट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा और जूम करना है। यहाँ पर जूम करने के बाद आपको ऊपर साइड यहाँ पर कोने साइड देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट इन टच का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट इन टच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा UPI कंप्लेन का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप UPI कंप्लेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म ओपन हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इसे जूम करना है अपने फ़ोन में। जूम करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, कंप्लेन का ऑप्शन है और उसके बाद नीचे साइड देख सकते हैं ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है। तो आप चाहे तो कंप्लेन हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे साइड देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का दोनों ऑप्शन है। आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में यहाँ पे क्लिक करके आप हिंदी में कंप्लेन कर सकते हैं उस व्यक्ति का। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश में ही कंप्लेन करना है। कंप्लेन आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा एक लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुका है और इस लिस्ट में आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पर्सन टू पर्सन, मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे आप किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर दिए हैं पैसे
गलती से, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप किसी दुकानदार को ट्रांजैक्शन कर दिए हैं पैसे गलती से, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इनकरेक्टली ट्रांजेक्शन टू अदर अकाउंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्टली ट्रांजेक्शन अदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आपको कमेंट में क्या टाइप करना है, जैसे कि आप जिस तरीके से उसे ट्रांजेक्शन किए उसी तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी में कमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी का ऑप्शन है, तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी जो वहाँ पे कॉपी किए थे वही ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम है, यानी कि आप किस बैंक से आप पैसे सेंड किए हैं उसे, तो उस बैंक का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे VPA एक नंबर होता है, आपके बैंक के द्वारा मिलता है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे VPA नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, नहीं है तो आपको नहीं डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कितना अमाउंट उसे सेंड किए पूरा अमाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डेट, किस डेट को आप उसे सेंड किए, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट टाइप करना है। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन है, आप ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके मतलब कि बैंक में लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट बताए थे लिए होंगे हिस्ट्री का, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे अपने गैलरी में जाएंगे, वहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट जो लिए होंगे उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे पूरा कंप्लेन दर्ज हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, तो उस कंप्लेन नंबर को आपको रख लेना है। उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना है, बैंक में जाने के बाद आपको पूरी डिटेल से बताना है कि आप कैसे उसे पेमेंट किए कि, और जो कंप्लेन नंबर है उसे भी आपको दे देना है, और UPI जो आईडी नंबर होता है UPI आईडी नंबर उसे भी आपको यहाँ पे बैंक में दे देना है। तो आपको मैक्सिमम समय लगता है आपको पैसे वापस आने में, आपके अकाउंट में पूरे 7 दिन लगता है पैसे आने में वापस, अगर उससे पहले भी आ सकते हैं जैसे कि 24 घंटे या 48 घंटे या 36 घंटे। तो इस तरीके से आपको कंप्लेन करना है, उसके बाद आप अपने बैंक में जाएंगे तो आपका पैसा वापस 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम से गलती से ट्रांजैक्शन हुए पैसे को वापस ला सकते हैं। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि गलती से ट्रांजैक्शन हुए पैसे को आप कैसे वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।